कैसे गायब हुई है? घर में दोनों भाई बहन में नोक झोंक हुआ थोड़ा बहुत, नोक झोंक करके बच्ची निकली थोड़ा बाहर, बाहर निकली तो ढूंढने लगा आदमी, कोचिंग का टाइम हुआ तो ढूंढने के लिए निकली तो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या लाइव, एक सनसनीखेज मामला मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड के राजनगर थाना अंतर्गत सिमरी पंचायत के वार्ड नंबर 2 से। यहाँ एक बच्ची जो जिसका नाम समा परवीन है, समा परवीन है, वो 31 अक्टूबर को यहाँ से गायब हो जाती है और परिजन काफी खोजबीन करते हैं, बच्ची नहीं मिलती है। अभी पहुंचे उसे घर पर, यहाँ आप देख सकते हैं उनके परिजन हैं और उनके ग्रामीण हैं। यहाँ सारे लोग मायूस हैं और उनकी तलाश में मधुबनी पुलिस, खास करके राजनगर थाना का यह मामला है, राजनगर थाना पुलिस तत्परता दिखा रही है, लेकिन बच्चे का अभी तक सुराग नहीं मिलने की जानकारी मिली है। आपको बता दें सिमरी से ही वार्ड नंबर 3 एक बच्चे का नाम, एक बच्चा जो गायब हुआ था, आपको 21 अक्टूबर को उसकी प्राथमिकी दर्ज की गई थी राजनगर थाना में, उस बच्चे का अभी तक सुराग राजनगर थाना पुलिस नहीं निकाल पाई है। ये विषय बनता है, ये सवाल उठता है थाना पुलिस पे कि अभी तक उस बच्चे का सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि राजनगर थाना पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है, कॉल डिटेल्स निकालने का कोशिश कर रही है, खंगालने का कोशिश कर रही है, लेकिन उस अंजाम तक अभी तक नहीं पहुंचा है। दूसरा मामला सिमरी पंचायत के वार्ड 2 से एक बच्ची 31 अक्टूबर को गायब होती है। एक ही पंचायत में दो बच्चे के गायब होने का मामला बनता है। यह एक सनसनीखेज मामला है। यहाँ परिजन है, परिजन से हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि बच्ची के विषय में क्या अपडेट है। हालांकि बच्ची के विषय में अभी जो हम खबर बना रहे हैं तो एक महिला पहुंची है यहाँ पे, उसको जानकारी देना चाहती है। बच्ची के विषय में क्या जानकारी मिली, पहले कैसे बच्ची गायब हुई? कैसे गायब हुई है? घर में दोनों भाई बहन में नोक झोंक हुआ थोड़ा बहुत, नोक झोंक करके बच्ची निकली थोड़ा बाहर, बाहर निकली तो ढूंढने लगा आदमी, कोचिंग का टाइम हुआ तो ढूंढने के लिए निकली तो नहीं, पूरे मोहल्ला में हर जगह ढूंढने का संभावना चालू हो गई। अपने जितने परिजन स्वजन थे सबके पास ये लोग खोजने का प्रयास किए, लेकिन बच्ची का सुराग नहीं मिल पाया। उसके बाद राजनगर थाना का आवेदन दिया गया, राजनगर थाना में आवेदन दिया। राजनगर थाना पुलिस पहुंची? पुलिस आई थी? नहीं आई थी, एक मर्तबा भी नहीं आई। राजनगर थाना पुलिस आई थी? एक मर्तबा पुलिस नहीं आई। पुलिस नहीं पहुंची थी अनुसंधान के लिए। इनका कहना है कि थाना से कोई भी पदाधिकारी इस घटना के अनुसंधान के लिए नहीं पहुंचे हैं। हालांकि इसमें एक नया मोड़ आया है, जो बच्ची 31 अक्टूबर को गायब हुई थी उसके विषय में कुछ अपडेट जानकारी इनको मिला है। क्या जानकारी मिला आपको? जानकारी मिला है, पापा से बात की है कि हम कलकत्ता में कोई बात करवाया। बहुत खुशी की बात है, अगर परिजन का बिछड़ा हुआ और संतान वापस मिलता है तो गांव में और उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। इनको जानकारी मिली है कि लड़की जो कलकत्ता में अभी है, हालांकि पूरी तरह से इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है, क्योंकि गार्जियन उनके जो पिताजी है, लड़की के जो फादर हैं, उनसे आपकी बात हुई है? हाँ, बात हुई है कि मेरी लड़की हमसे बात की है, मिल चुकी है, बता दो। लड़की के गार्जियन से बात हुई है कि लड़की उनकी मिल चुकी है कलकत्ता में, हालांकि वो अभी तक परिजन के हवाले नहीं हुई है। परिजन के हवाले होती है और अपडेट खबर से आपको अवगत कराएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि सिमरी के वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 से एक प्रिंस कुमार नाम का लड़का जो गायब होता है 21 अक्टूबर को, उसका अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है। 3 बरस का बच्चा, सवाल उठता है कि किसके साथ गया? 3 बरस के बच्चा खुद अकेले कहीं नहीं जा सकता है, उसका कोई अगर अपहरण करके ले गया होगा तो निश्चित तौर पर वह किसी व्यक्ति के साथ चुपचाप नहीं जा सकता है, वो चिल्लाते हुए जाएगा। हालांकि पुलिस इसमें अपना काम कर रही है, अब देखना बाकी रहेगा कि पुलिस अंजाम तक कब तक पहुंचती है। बहरहाल आप देख रहे थे केआर न्यूज लाइव। आप यूट्यूब पर अगर हमें देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, अगर हमारे फेसबुक पेज केआर न्यूज लाइव पर आप हमें देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें।